ललितपुर के मदनपुर के जंगलों में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बदमाश ना सिर्फ राहगीरों को लूट रहे हैं बल्कि अब वह गरीब लोगों से भी लूटपाट और मारपीट कर रहे हैं। ललितपुर जनपद के मदनपुर थाने के अंतर्गत कुलधरा गांव में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जंगलों में लकड़ी के लिए जाने वाले ग्रामीणों को मध्य प्रदेश की सीमा से आए बदमाश लूटपाट कर रहे हैं। अगर उनके पास कुछ नहीं मिलता तो कुल्हाड़ी या कट्टा से घायल कर देते हैं। 4 दिन के अंदर यह दूसरी वारदात है जब किसी ग्रामीण को गोली मारकर घायल किया गया है। बावजूद इसके पुलिस यहाँ के लोगों को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। बड़ी बात तो यह है कि बदमाशों का शिकार सिर्फ संपन्न लोग ही नहीं बल्कि बेहद गरीब तबके के लोग भी हैं जो जंगलों में लकड़ी काट कर अपना भरण पोषण करते हैं। क्या मामला है? उन्होंने डी को धरो तो बस नदी पार ने तब कई घाल दी हमारे इधर नदी को धरे यहाँ साथ थी। आपके कौन है जी जिसको गोली लगी? पिताजी आप। और वे नकड़ी गए साल जमे आ गए से गोली दे भगे उन्होंने गोली मार। मध्य प्रदेश के अपराधी उत्तर प्रदेश के जंगलों को अपना गढ़ बनाते जा रहे हैं और यहाँ रहकर वे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि प्रदेश की सीमा होने की वजह से पुलिस को चकमा देना उनके लिए आसान होता है। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस बदमाशों पर क्या लगाम कसती है जिससे घटनाओं पर अंकुश लग। न्यूज़ पीके के लिए ललितपुर मढ़ावरा से जाकिर मंसूरी के साथ मनोज जैन की रिपोर्ट।